नमस्कार, वेलकम टू एस ट्यूटू। मैं हूं आपका टीचर शुभंकर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अनरैपिंग करेंगे स्ट्राइडर रेंजर्स रॉड फ्रॉम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे तीन ऑब्जेक्ट है, ये हैंडल है, हैंड गार्ड है एंड ये सॉर्ड है। ये तीनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके यहाँ पे UVW मैपिंग क्लियर पर क्लिक करेंगे, देन अनरैप UVW देंगे, ओपन UV एडिटर करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन में जाके सेव करेंट सेटिंग एज डिफॉल्ट करके इसको बंद करेंगे। इसके बाद डीसिलेक्ट करके कोई भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन हम लोग टेक्स्ट टूल के मदद से अनरैपिंग करना सीखेंगे। टेक्स्ट टूल क्या है? टेक्स्ट टूल एक प्लगइन है, प्लगइन या आप स्क्रिप्ट बोल सकते हैं, जो अनरैपिंग के लिए हेल्प करता है मैक्स में। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए, बहुत इजीली अनरैपिंग कर सकते हैं इससे। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल क्लिक करूँगा और यहाँ पे UV एडिटर है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो UV एडिटर ओपन होगा। अब इसको मैं साइड में रख रहा हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ। पोजिशन कर लिया, आपके हिसाब से पोजिशन कर लीजिए। देन यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्ट किया हुआ है, मैं पूरा एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन है फ्लैटन बाई पॉलीगॉन एंगल एंड फ्लैटन बाई स्मूथिंग ग्रुप, और भी एक ऑप्शन है इसमें। मैं अगर यहाँ पे एलिमेंट को ऑफ करता हूँ, देन कैमरा का एक साइड करके मैं ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, तो देखिए ये एक साइड का सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा आयरन। आयरन जब प्रेस करूँगा तो क्या करेगा, सीधा करके इसका UV कट कर देगा। देन फिर नेक्स्ट उल्टा साइड में ऐसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग, क्लिक एंड ड्रैग। ये हो जाने के बाद हम ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके इसको रोटेशन करेंगे और यहाँ पे पैक मार देंगे। अभी दोनों को सिलेक्ट करके आप इसमें रिलैक्स एक दो बार मार दीजिए तो स्मूथली रिलैक्स हो जाएगा। ये हो गया शॉर्ट का अनरैपिंग। देन मैं फिर से जो हैंड गार्ड है इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओपन UV एडिटर करूँगा। देन मैं चाहता हूँ इसका सीम मैं डिसाइड करूँगा, उसके बाद इसको फ्लैटन करेंगे। तो मैं एज में जाऊँगा, एज को सिलेक्ट करूँगा, एज को सिलेक्ट करूँगा, एज को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे लूप प्रेस करूँगा, देन ए वाला, और ये जो छूट गया है इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और इस साइड का भी। अच्छे से देख लीजिए, छूटना नहीं चाहिए। ओके, देन हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे इस साइड से और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लूप करेंगे, देन चले जाएंगे यहाँ पे, ये भी सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल प्रेस करके, लूप करेंगे, देन फ्रंट व्यू में जाके ये जो एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया इसको ऑल्ट प्रेस करके डीसिलेक्ट करेंगे। ऑल्ट प्रेस करके डीसिलेक्ट कर लीजिए तो हमारा सिम रेडी हो गया। यहाँ पे डीसिलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे इग्नोर बैक फेसिंग किया हुआ है, तो ऑफ करके इसको डीसिलेक्ट कीजिए। करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए ठीक से हुआ कि नहीं। करने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रेक करूँगा। ब्रेक करने के बाद ये जो है इसको हम लोग यहाँ पे एक सीम देना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से लूप सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं यहाँ पे लूप सिलेक्ट करता हूँ तो ये लूप पूरा सिलेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे सिलेक्ट करने से क्या होगा, जहाँ पे यहाँ के UV का सीम है वहाँ तक ही सिलेक्ट होगा। करने के बाद इसको भी हम लोग ब्रेक कर देंगे, देन पॉलीगॉन में जाके पूरा पॉलीगॉन सिलेक्ट है और चाहे तो और एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, देन इसको प्रेस कर दीजिए क्विक टिल। क्विक टिल प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा पैक और इसको कर देंगे क्रॉप। क्रॉप करने से क्या होगा, ये जो UV का जो बॉक्स होता है उसके अंदर आ जाएगा। अब इसको हम लोगों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। फर्स्ट यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सिलेक्ट करके मैं नीचे रखता हूँ, देन इसको रखूँगा, देन ये दो हमारा है
इसको आप रोटेट चाहे तो कर सकते हैं, इसको भी हम लोग रोटेट कर लेंगे या फिर रिलैक्स कर लीजिए। रोटेशन टूल लो के मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ सीधा। बाकी सबको सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिलैक्स कर देंगे, स्मूथ हो जाएगा। देन इसको करेंगे पैक एंड क्रॉप, तो ये बॉक्स के अंदर सेट हो जाएगा। ग्रिप को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओपन यूवी एडिटर ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लोग भी सीम पहले डिसाइड कर लेंगे। इसको मैं आइसोलेट सिलेक्शन कर लेता हूँ। देन मैं एज में जाऊँगा, जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए सीम मैं वहाँ पे सिलेक्ट करके लूप प्रेस करूँगा। ओके, मैं कर दूंगा ब्रेक। देन इसका जो मिडिल पोर्शन है ये सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे एंड ये सिलेक्ट करके यहाँ से करेंगे लूप। तो जहाँ पे इसका सीम है वहाँ तक ही वो रहेगा, आगे सिलेक्ट नहीं होगा। ये भी सिलेक्ट करना है तो इसको सिलेक्ट करके मैं लूप कर दूंगा। देन फिर से इसको कर दूंगा ब्रेक। अब पॉलीगन मोड में जाऊंगा, सबको सिलेक्ट करूंगा एंड क्विक बिल प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे पैक कर दीजिए। अब इसको स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेट कर सकते हैं हम लोग। एज में जाएंगे, एज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अलाइन ऑप्शन है, ये भी हम लोग को अलाइन करना है। ओके, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, कर देंगे इसको रोटेशन इस तरफ से। अब इसको सिलेक्ट करके हम लोग कर देंगे रेक्टिफाई, स्ट्रेट हो जाएगा ये, इसको भी कर देंगे। कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एक बार रिलैक्स कर देंगे। ओके, आप सबको सिलेक्ट करेंगे, करके एक बार चाहे तो आप रिलैक्स कर लीजिए। अभी सबको सिलेक्ट कीजिए, देन इसको हम कर देंगे पैक, देन कर देंगे क्रॉप। तो हम तीनों ऑब्जेक्ट का अनरैपिंग कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, पूरा टेक्स्ट टूल को बंद कर देंगे, आइसोलेट सिलेक्शन से बाहर निकलेंगे। अब तीनों ऑब्जेक्ट को ना, अगर इसका टेक्सचर डेंसिटी सेम रखना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको कंबाइन करना पड़ेगा। तीनों को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके कॉन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कीजिए। देन एक को सिलेक्ट करके यहाँ पर कर दीजिए अटैच, अटैच, अटैच। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं अनरैप यूवीडब्ल्यू दूंगा एक बार। यहाँ से टेक्स्ट टूल क्लिक करूंगा, यहाँ पे चला जाऊंगा ओपन यूवी। तो यहाँ पे देखिए सब यूवी यहाँ पे एक साथ दिखा रहा है। तो मैं फर्स्ट क्या करूंगा, यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्ट करके ये दोनों को सिलेक्ट करके पहले एक बार इसको पैक करेंगे। पास लाएंगे और बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो सबको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और एक बार पैक करेंगे। अगर एलिमेंट सिलेक्ट करके आप एक साथ अलग अलग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे जैसे पैक कर रहा हूँ एडजस्ट हो गया एक साथ, और इसको भी सिलेक्ट करके मैं एक बार पैक करूँगा तो ये भी एडजस्ट हो गया। अब यहाँ से भी पैकिंग ट्राई कर सकते हैं। इसको मैं बंद करेंगे, इसको बंद कर देंगे। देन राइट क्लिक करके इसको कॉन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और देन इसको डिटैच करेंगे। तो इसका नेम क्या था एक बार हाई में चेक कर लेते हैं हम लोग। ब्लेड हाई था, पहले डिटैच प्रेस करना है। देन यहाँ पे लिखना है ब्लेड अंडरस्कोर लो। ओके, देन इसको सिलेक्ट करेंगे, डिटैच प्रेस करेंगे। इसका नाम क्या था, हैंड गार्ड लो अंडरस्कोर लो एंड इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रीनेम करेंगे हम लोग ग्रिप अंडरस्कोर पोमेल अंडरस्कोर लो, ग्रिप अंडरस्कोर
@omil_lo। तो इस तरह से हम लोग इजिली टेक्स्ट टूल के हेल्प से अनरैपिंग कर सकते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।